हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है केमिस्ट्री की कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं बताऊंगा, जिससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में आता है कि कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है एसिटिक अम्ल से एथिल अमीन, ये आप जो है कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण देना है। तो बात हुई है एसिटिक अम्ल की, इससे आपको क्या प्राप्त करना है, एथिल अमीन। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH, ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। तो सबसे पहले जो है आपको इसकी क्रिया अमोनिया यानी कि NH3 से कराना है। जब आप इसकी क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो इसमें बनता है आपका अमोनियम एसीटेट यानी कि CH3COO, इसके अलावा NH4। तो जब आप यहाँ पर इसकी क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो इसमें बन जाएगा यहाँ पर अमोनियम एसीटेट। इसके बाद जो है यहाँ पर इसकी क्रिया शुष्क जल से होगी, यहाँ पर इसकी क्रिया जो है आपको शुष्क जल यानी कि H2O से कराना है, यानी कि शुष्क जल की उपस्थित में आपको यहाँ पर इसका आसवन कराना है। तो जब आप यहाँ पर शुष्क जल की उपस्थित में इसका आसवन कराएंगे तो इसमें बनता है एसीटामाइड यानी कि CH3CONH2, ये बन जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये आपको यहाँ पर दिया गया है एसिटिक अम्ल। जब आप इसकी क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो इसमें बनता है अमोनियम एसीटेट, ये यहाँ पर बना है अमोनियम एसीटेट, ये हो जाएगा। इसके बाद जब शुष्क जल की उपस्थिति में आप इसका आसवन कराते हैं तो इसमें यहाँ पर बनता है एसीटेमाइड, ये यहाँ पर बन गया है इसमें एसीटेमाइड, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो एसीटेमाइड बना है इसकी क्रिया जो हम लोग फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे, इसकी क्रिया जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि ये होता है आपका P2O5, इसकी उपस्थित में आपको यहाँ पर इसकी क्रिया करानी है। जब इसकी उपस्थित में क्रिया कराएंगे तो इसमें से जो है जल निकलेगा आपका यानी कि H2O, जल यहाँ से निकल जाएगा और इसमें बन जाएगा आपका मेथिल साइनाइड यानी कि CH3CN, ये जो बना है इससे बोला जाता है मेथिल साइनाइड। अब मेथिल साइनाइड कि क्रिया यहाँ पर जो हम लोग सोडियम और अल्कोहल से कराएंगे यानी कि यहाँ पर जो है अपचयन कराया जाएगा Na+C2H5OH द्वारा। तो जब यहाँ पर इसका अपचयन कराया जाएगा तो इसमें जो है चार नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे इस प्रकार से, और ये इससे क्रिया करेंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका एथिल एमीन यानी कि CH3CH2NH2, इस प्रकार से ये यहाँ पर बन जाएगा एथिल अमीन। आप इससे ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं C2H5, ध्यान दीजिए दो कार्बन है, इसके अलावा तीन हाइड्रोजन, ये दो, ये तो C2H5NH2, चाहे आप इसे ऐसा लिख दीजिए या फिर ऐसा लिख दीजिए, तो ये यहाँ पर बन जाएगा एथिल अमीन। तो इस प्रकार जो है एसिटिक अम्ल से एथिल अमीन प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटेल्डिहाइड, आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात हुई है फॉर्मेल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका जो है यहाँ पर अपचयन कराया जाएगा, तो अपचयन के लिए यहाँ पर दो नवजात हाइड्रोजन यूज किए जाएंगे। जब इसकी क्रिया इससे होगी तो इसमें बनता है मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH, ये जो बना है इससे बोला जाता है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो मेथिल अल्कोहल है इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे यहाँ पर PCl5 से, जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो इसमें बनता है आपका मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये जो बना है आपका ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड,
अब इसकी क्रिया जो हम लोग यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड यानी कि KCN इससे यहाँ पर आपको कराना है। तो जब यहाँ पर इससे कराएंगे तो यहाँ से ये पोटेशियम और यहाँ से Cl यानी कि इसमें से KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा, ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर दिया गया CH3, ये हो जाएगा CH3। इसके अलावा यहाँ पर ये CN यानी कि इसमें बन जाएगा मेथिल साइनाइड, ये जो बना है इसे बोला जाता है मेथिल साइनाइड। तो ये बन जाएगा यहाँ पर मेथिल साइनाइड। अब इसका अपचयन हम लोग दोबारा से कराएंगे और अब की बार इसका अपचयन जो है यहाँ पर Na+ एल्कोहल यानी कि C2H5OH इसकी उपस्थित में कराएंगे। तो यहाँ पर जो इसमें चार नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे और जब इसकी क्रिया यहाँ पर इससे होगी मेथिल साइनाइड से तो इसमें बनता है एथिल अमीन यानी कि CH3, इसके अलावा CH2, NH2। तो ये जो बनना है इससे बोला जाता है एथिल एमीन, एथिल एमीन। तो यहाँ पर ये बन गया है एथिल एमीन। अब इसकी क्रिया जो हम लोग नाइट्रिक अम्ल यानी कि यहाँ पर HNO2 से कराएंगे, जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो इसमें बनता है आपका एथिल अल्कोहल यानी कि CH3 CH2OH, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर एथिल अल्कोहल। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा, इसका यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण जो होगा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 और इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 इसकी उपस्थित में जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा, तब इसमें आपका बनेगा यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, तब यहाँ पर लास्ट में क्या बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड। ये यहाँ पर आप इसका नाम लिख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड, इस प्रकार से। तो फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड जो है इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का जब अपचयन होगा तो ये बनेगा मेथिल अल्कोहल, इसकी क्रिया PCl5 से कराएंगे तो बनेगा मेथिल क्लोराइड, फिर इसकी क्रिया आप यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो बनेगा मेथिल साइनाइड, फिर इसका यहाँ पर जो है सोडियम और अल्कोहल की उपस्थित में जब अपचयन होगा तो इससे बन जाएगा आपका एथिल अमीन, और इसकी क्रिया जब आप HNO2 से कराएंगे तो बनेगा आपका यहाँ पर एथिल अल्कोहल। ये जो बना है इससे बोला जाता है एथिल अल्कोहल। और इसके बाद यहाँ पर जो ये एथिल अल्कोहल बना है जब इसका आप ऑक्सीकरण कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में, तब इसमें बनेगा यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका समीकरण लिखना है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया आपको मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसमें इस प्रकार से आ सकता है कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, या फिर क्वेश्चन आ सकता है मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर आ सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बात हुई है मेथिल अल्कोहल की, और मेथिल अल्कोहल होता है आपका CH3OH, ये होता है मेथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया जो है आपको यहाँ पर करानी है सबसे पहले PCl5 से, इसकी क्रिया जो होगी वो PCl5 से होगी। तो यहाँ पर जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो इसमें बनता है आपका मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl, ये बनेगा। इसके बाद मेथिल क्लोराइड की क्रिया आपको करानी है पोटेशियम साइनाइड से यानी कि KCN से, और जब पोटेशियम साइनाइड से आप इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें बन जाएगा आपका मेथिल साइनाइड यानी कि CH3CN, ये बन जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर इसका अपचयन होगा, ये आपको इसके पहले भी बताया गया था यहाँ पर अल्कोहल यानी कि C2H5OH की उपस्थित में। तो यहाँ पर जो इसमें चार नवजात हाइड्रोजन निकलते हैं, जब यहाँ पर इसकी क्रिया इससे होगी तो इसमें बनता है आपका एथिल एमीन CH3, इसके अलावा CH2NH2, ये बन गया है आपका यहाँ पर एथिल एमीन, ये हो जाएगा एथिल एमीन इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पर एथिल एमीन की क्रिया करानी है आपको HNO2 से, HNO2 से जब इससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनता है एथिल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH, ये बन जाएगा यहाँ पर एथिल अल्कोहल।
एथिल अल्कोहल ये बन जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कराना है। इसका यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 इसके अलावा H2SO4 की उपस्थित में। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो यहाँ पर बनता है एसीटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO ये बन जाएगा। और इसके बाद एसीटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जो आपको दोबारा से कराना है। इसका ऑक्सीकरण जो फिर से कराएंगे यहाँ पर K2Cr2O7 और इसके अलावा H2SO4 की उपस्थित में इसका ऑक्सीकरण आप दोबारा से कराएंगे तब बनता है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। ये जो बना है आपका ये हो जाएगा एसिटिक एसिड इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आएगा कि मिथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल आप कैसे प्राप्त करेंगे तो आपको यहाँ तक कर देना है केवल। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बना था CH3CH2OH ये आपका एथिल अल्कोहल इतना करके छोड़ देना है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है मिथिल अल्कोहल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे तो केवल ये आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है जहाँ पर आपका एथिल एमीन बन गया। लेकिन अगर ये आता है मिथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे तब आपको यहाँ पर ये पूरा समीकरण यूज़ करना होगा। तो इस समीकरण में आपके तीन तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है ये याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला है एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर बात हुई है एथिल अल्कोहल की यानी कि ये हो जाएगा CH3CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीकरण करना है। इसका यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण होगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4। यहाँ पर जो H2SO4 होगा ये यहाँ पर तनु यूज़ किया जाएगा। तो इसकी उपस्थित में जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है ऑक्सीकरण। जब आप इसका ऑक्सीकरण कराएंगे यहाँ पर एथिल अल्कोहल का तो इससे बन जाएगा आपका एसीटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। तो जब आप यहाँ पर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो इससे बनेगा आपका एसीटाल्डिहाइड ये हो जाएगा यहाँ पर एसीटाल्डिहाइड इस प्रकार से। इसके बाद जो आपको यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण फिर से करना है। अब की बार जो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होगा ये फेहलिंग विलयन द्वारा होगा। इसका ऑक्सीकरण जो है आपको फेहलिंग विलयन द्वारा कराना है। फेहलिंग विलयन द्वारा जब फेहलिंग विलयन द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसमें बनता है एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। यहाँ पर बन जाएगा एसिटिक अम्ल। अब इसके बाद जो एसिटिक अम्ल बना है इसकी क्रिया आपको करानी है अमोनिया से यानी कि NH3 से। तो इसमें बनता है आपका अमोनियम एसीटेट यानी कि CH3CONH4। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका अमोनियम एसीटेट। अब इसके बाद जब आप यहाँ पर अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो बनता है एसीटामाइड यानी कि CH3CONH2। यहाँ पर बन जाएगा एसीटामाइड। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इसकी क्रिया करानी है Br2+4KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थित में। जब इसकी उपस्थित में क्रिया कराई जाएगी तो इसमें से आपका निकलेगा KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड निकलेगा। इसके अलावा इसमें से निकलेगा आपका K2CO3 ये निकल जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा इसमें से निकलेगा जल यानी कि H2O। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर आपका बनेगा इसमें मेथिल एमीन यानी कि CH3NH2। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेथिल एमीन ये हो जाएगा मेथिल एमीन। इसके अलावा इसका नाम याद रखिएगा ये है एसीटामाइड ये हो जाएगा एसीटामाइड। इसके अलावा ये है अमोनियम एसीटेट। और इसके अलावा ये जो बनना है इससे बोलते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल ये हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। इस प्रकार जो है एथिल अल्कोहल से यहाँ पर मेथिल एमीन जो है प्राप्त किया जाता है।
इसके बाद अगला है बेंजीन से डीडीटी, या फिर क्वेश्चन आ सकता है क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई है बेंजीन की, तो आप यहाँ पर इसमें बना सकते हैं बेंजीन रिंग। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन। इसकी क्रिया जो है आपको सबसे पहले कराना है आपको क्लोरीन यानी कि Cl2 से। तो जब इससे आप कराएंगे तो इसमें बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका लग जाएगा आपकी बार यहाँ पर Cl, तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से तो अब आपको यहाँ पर ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी क्रिया करानी है ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड से। ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड ये होता है आपका CCl3CHO, ये होता है ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। नाम आप इसका नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बना है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के आपको यहाँ पर दो अणु लेने हैं। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl। इसका सूत्र होता है C6, इसके अलावा होता है H5। तो H5 के लिए इस प्रकार से लिखिए, यहाँ पर लिखिए H4, एक H आप अलग लिख दीजिए इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा आपका H5, इसके अलावा Cl, ये हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के दो अणु प्रयोग करने हैं C6H4Cl, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो क्रिया होगी ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में होगी, यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थित में कराया जाएगा क्रिया। तो होगा क्या, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन, इसका मतलब इसमें से जल ये निकल जाएगा। और जब जल यहाँ से निकल जाएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया CCl3, ये हो गया CCl3। इसके अलावा हो गया CH, यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा C6H4Cl और यहाँ पर हो जाएगा C6H4Cl। तो ये जो बना है इससे ही बोला जाता है DDT, ये हो जाएगा DD, इसके अलावा T। तो अगर ये आता है क्लोरोबेंजीन से DDTL, तो क्लोरोबेंजीन से DDTL आएगा, तो आप डायरेक्ट ये वाला समीकरण यूज करेंगे, यानी कि दूसरा वाला जो दिया गया है यहाँ पर, इसको आपको डायरेक्ट लिख देना। लेकिन अगर बेंजीन से DDT आता है तो पहले आपको यहाँ पर ये वाला समीकरण लिखना होगा, ये आपका होता है बेंजीन। तो पहले आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करेंगे, फिर क्लोरोबेंजीन से आप DDT प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। इसका नाम आपको याद रखना है, ये होता है ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, इससे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है बेंजीन से एसीटोफिनोन, ये आप कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो बात हुई है बेंजीन की, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगी बेंजीन रिंग। इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे, ये हो जाएगी बेंजीन। इस प्रकार से इसकी क्रिया आपको करानी है एसिटिल क्लोराइड से, यानी कि CH3COCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन की क्रिया हम लोग कराएंगे पहले एसिटिल क्लोराइड से, और यहाँ पर ये जो क्रिया होगी ये जो है शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाएगी। जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो इसमें से आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बनेगा एसीटोफिनोन, यानी कि ये हो जाएगी इस प्रकार से यहाँ पर बेंजीन रिंग। और इसमें यहाँ पर अब जुड़ जाएगा आपका CO CH3, तो ये जो बना है इससे बोला जाता है एसीटोफिनोन, ये हो जाएगा एसीटोफिनोन। इस प्रकार जो है बेंजीन से एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। इसकी क्रिया जो हम लोग एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं शुष्क AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाएगी, तब यहाँ पर बनेगा आपका एसीटोफिनोन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है फिनॉल से
बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो बात हुई है फिनॉल की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिनॉल, इसका आप संरचना सूत्र इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगी बेंजीन रिंग और इसमें ऊपर लग जाएगा OH, ये होता है आपका फिनॉल। इसकी क्रिया जो है आपको जिंक से करानी है, यहाँ पर ये क्रिया जो होगी वो जिंक चूर्ण से होगी, आप लोग याद रखिएगा, ये क्रिया जिंक चूर्ण की उपस्थित में कराई जाएगी। तो इसमें से आपका जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO निकलेगा, और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें बन जाएगी बेंजीन, ये यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन। इस प्रकार से जो है यहाँ पर फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करते हैं, ये हो जाएगी बेंजीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर बात हुई है एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, ये हो जाएगा, यहाँ पर इसकी क्रिया जो है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करानी है, यानी कि सांद्र H2SO4, और जो सांद्र H2SO4 यूज होगा ये आधिक्य में होगा, यानी कि ये जो है यहाँ पर अधिकता में लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है कि ये जो है यहाँ पर आधिक्य में यूज होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सांद्र H2SO4 आधिक्य, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 170 डिग्री सेल्सियस होगा, जब इससे यहाँ पर क्रिया होगी तब इसमें आपका बनेगा एथिलीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में इसमें निकलेगा जल यानी कि H2O, तो ये यहाँ पर बन जाएगा एथिलीन। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। इसके अलावा है एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर बात हुई है एसीटोन की, इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CO, इस प्रकार से इसके जो यहाँ पर तीन अणु प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी जो क्रिया होगी वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में होगी, यानी कि सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थित में जो है यहाँ पर इसका आसवन कराया जाएगा, और जब इसकी उपस्थित में आप यहाँ पर इसका आसवन कराएंगे तो इसमें से जल निकलेगा यानी कि H2O, और इसके अलावा यहाँ पर बनेगा इसमें मेसिटिलीन। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर एक बॉन्ड ये हो जाएगा और एक बॉन्ड ये, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा इसमें CH3, एक CH3 आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक CH3 आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो बना है इससे ही बोला जाता है मेसिटिलीन, ये यहाँ पर हो जाएगा मेसिटिलीन इस प्रकार से। इसके अलावा इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी तीन से गुणा हो जाएगा, तो इस प्रकार जो है एसीटोन से मेसिटिलीन प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। अब बात हुई यहाँ पर मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल आपका होता है CH3OH, ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल CH3OH, इसकी क्रिया जो हम लोग PCl5 से कराएंगे, इसकी क्रिया जो है PCl5 से कराना है, तो इसमें बनेगा आपका मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl बन जाएगा। इसके बाद इसकी क्रिया जो हम लोग पोटेशियम साइनाइड यानी कि KCN से कराएंगे, तो आपका बन जाएगा मेथिल साइनाइड, ये अभिक्रिया कई बार यूज की जा चुकी है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मेथिल अल्कोहल की क्रिया हम लोग PCl5 से कराएंगे तो आपका बनेगा मेथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया हम लोग पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो इसमें बनेगा आपका मेथिल साइनाइड। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग जल से यानी कि H2O से कराएंगे अम्लीय माध्यम में, तो जब अम्लीय माध्यम में इसकी क्रिया कराएंगे तो बनता है आपका एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COH, ये यहाँ पर बन जाएगा एसिटिक अम्ल इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेंजोइक अम्ल यानी कि C6H5COH, ये होता है आपका बेंजोइक अम्ल, इसकी क्रिया जो हम लोग PCl5 से कराएंगे, यहाँ पर ये क्रिया जो होगी PCl5 से होगी और टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेल्सियस होगा, जब इससे क्रिया कराएंगे तो इसमें बनेगा C6H5COCl, ये बन जाएगा। इसके बाद जो है इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर जो है
H2 से कराएंगे और ये क्रिया जो होगी वो PD BASO4 इसकी उपस्थित में होगी। ये आप लोग याद रखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं जाइलीन, इससे बोला जाता है जाइलीन। इसकी उपस्थित में जब क्रिया कराएंगे तो इसमें आपका बनेगा बेंजीडाइड यानी कि C6H5CHO। ये जो बना है इससे ही बोला जाता है बेंजीडाइड। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है एथिलीन से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बात हुई है एथिलीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया जो है आपको कराना है जल से यानी कि H2O से, और ये जो क्रिया होती है वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में होगी। जब इससे क्रिया कराएंगे तो इसमें बनेगा आपका एथिल एल्कोहल यानी कि CH3CH2OH। ये यहाँ पर बन जाएगा आपका एथिल एल्कोहल, इससे बोला जाता है एथिल एल्कोहल इस प्रकार से। इसके बाद अगला यहाँ पर फिनॉल से टालुइन आपका इसे प्राप्त करेंगे। तो बात हुई है फिनॉल यानी कि C6H5OH, ये होता है आपका फिनॉल। इसकी क्रिया जो होगी वो जिंक की उपस्थित में कराई जाएगी तो इसमें बनेगा आपका C6H6। और इसके बाद इसकी क्रिया जो हम लोग कराएंगे मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl से, और ये क्रिया जो होगी वो एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थित में कराई जाएगी तो इसमें बनेगा आपका C6H5CH3। इसे ही बोलते हैं टॉलुइन। तो इस प्रकार जो है फिनॉल से टॉलुइन प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जितनी भी अभिक्रियाएं आपको बताई गई ये सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इन्हें आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।